हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो, जिसमें आप देखेंगे अपन भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और करना चाहता भी हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कार का मात्रक होता है। तो आप सबको पता है कार क्या है, पहले कार का सूत्र भी पता होना चाहिए आपको। कार बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और कार का मात्रक होता है आपका जूल। कार हो या ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक हमेशा आपका जूल होगा। कार होगा जब ऊर्जा कब होगी, जब आपके पास काम करोगे तभी ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी तभी काम करोगे, तो उन दोनों का मात्रक एक ही होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपको पता है प्रकाश वर्ष में किसको मापते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं अपन दूरी को। दूरी यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी या एक तारे से दूसरे तारे की दूरी। तो जो बड़ी बड़ी दूरियाँ मापी जाती हैं उसके लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होगा, ना कि समय या प्रकाश का। लग रहा है आपको प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है, लेकिन ये दूरी का मात्रक है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं आपके 9.46 × 10^15 मीटर, यानी लगभग, अगर 9 को मैं 10 मान लूँ, लगभग 10^16 मीटर, या इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूँ तो 10^13 किलोमीटर, इतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष में। और इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी आपका एक प्रकाश वर्ष होता है। तो आप समझ गए होंगे ये आपका दूरी का ही मात्रक होगा। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब पता है, आपने पढ़ा होगा बल में न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे एक बुक रखी है टेबल पर तो वहीं रहेगी वो, जब तक उस पर बल न लगाए अपन। और अगर कोई कार चल रही है या कोई साइकिल चल रही है, जब तक अपन उस पर बल न लगाएं, ब्रेक लगाना एक टाइप का बल ही है, उसको रोकना है तो सामने से हाथ लगाओ तो बल लगेगा, तभी वो स्थिर अवस्था में आएगी। तो वो होता है जड़त्व। और जड़त्व की माप आपकी द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यानी किसी वस्तु में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। और जड़त्व ज़्यादा होगा मतलब ब्रेक लगाने पर वो वस्तु उतने देर में रुकेगी। जैसे एक है आपकी स्कूटर और एक है आपकी कार, आपने ब्रेक लगाया तो स्कूटर जल्दी रुक जाएगा, कार देर में रुकेगी, ट्रेन और ज़्यादा देर में रुकेगी। यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और उसको स्थिर अवस्था में आने के लिए समय भी उतना ज़्यादा लगेगा और उसमें बल भी ज़्यादा लगेगा। आप लोग समझ गए होंगे सब चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यार ये तो। इसमें कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अपन सीधा इसका अंतर देख लेते हैं। उच्च वेग तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। ऊर्जा को आप जूल से मिला सकते हैं क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तरंग दैर्ध्य को आप एंगस्ट्रॉम से मिला सकते हैं, बिल्कुल। दाब को अपन पास्कल से मिला सकते हैं और उच्च वेग को अपन मैक से मिला सकते हैं। तो इस टाइप से मिलाना होगा। अब इसका आंसर अपन कैसे बना सकते हैं, इसका अपन ऐसे बना सकते हैं कि ए का आपका आंसर होगा फर्स्ट, बी का आंसर होगा आपका सेकंड, सी का आंसर होगा आपका थर्ड और डी का आंसर होगा आपका फोर्थ। बस यही मिलाना था, समझ रहे हैं ना। क्योंकि तरंग दैर्ध्य को अपन एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, उच्च वेग का मैक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी डी क्रम से ही है, उच्च वेग का मैक ही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप इनने कूट दे दिया, मैचिंग दे दी। मैचिंग बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखो, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी, ये दिए हैं मात्रक। अभी किन भौतिक राशियों के मात्रक हैं तो मिलाना है, मिला देते हैं अपन। जूल आपका कार का मात्रक है तो इसको अपन थर्ड से मिला सकते हैं। एम्पियर हमारा विद्युत धारा का मात्रक है, वाट हमारा सामर्थ्य का मात्रक है,
वोल्ट हमारा विभवांतर का मात्रक है और कैलोरी हमारा ऊष्मा का मात्रक है। तो इस टाइप से अपन मिला सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से। जूल का मात्रक होगा आपका कार्य, एम्पियर होगा विद्युत धारा का, वाट होगा सामर्थ्य का, वोल्ट होगा विभवांतर का और कैलोरी होगा ऊष्मा का। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, लेवल के क्वेश्चन दिए अपन। ये लूसेंट्स के क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो तो लूसेंट का जीएस होता है उसी बुक के क्वेश्चन लगा रहे हैं अपन। ये त्वरण, बल, कृतकार, आवेग, इन सबके मात्रक बतानी है आपकी। भौतिक राशियाँ हैं, इसकी इकाई बतानी है। तो त्वरण का मात्रक आपको पता होना चाहिए, होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। कृतकार का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक होगा न्यूटन सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या है। अब कई लोग लगा देंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष भी समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक होगा चंद्रमा है। तो इसका आंसर होना चाहिए प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है बोल रहे थे, यस प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है। पारसेक आपका प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है, एक पारसेक में कुछ प्रकाश वर्ष होते हैं 4.2 ऐसे कुछ होता है लगभग। तो इसका आंसर है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी गलत मिलाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं डेसीबल ध्वनि की इकाई है, डेसीबल ध्वनि की इकाई है, ये तो नहीं गलत है, ये सुमेलित है, ये सही है, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अशुशक्ति शक्ति की मात्रक है, सही है, हॉर्स पावर या अशुशक्ति शक्ति का ही मात्रक है। समुद्री मील नौ संचालन में किया जाता है, आप नेवी में जाएंगे या नेवी वाले जो नौसेना वाले होते हैं वो समुद्री मील नॉटिकल वगैरह का यूज करते हैं। ये कह रहे हैं सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक, ये गलत है। ऊष्मा का मात्रक तो क्या होता है, अपन ने पढ़ा ना कैलोरी। सेल्सियस तो ताप का मात्रक होता है, 37 डिग्री सेल्सियस अपने सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्सियस, जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए हैं आज अपन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके, आएंगे क्या आए हुए हैं देख सकते हैं आप, जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन आपको पता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आपको सात ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही राशियाँ पता होना चाहिए। सात भौतिक राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ कहते हैं, जिसमें होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, टाइम, टेम्परेचर, टी, इन सब के अलग अलग मात्रक होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट बहुत कुछ सीखा है अपन ने इसके वीडियो में, बहुत सारी भौतिक राशियों के मात्रक देखे, कुछ कॉन्सेप्ट देखे हैं। यहाँ पे ल्यूमेन आपका होगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक, किसका मात्रक होगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होगा। मैं बता रहा था ऐसा ही राशियाँ, मूल राशियाँ, सात मूल राशियाँ होती हैं आपकी, गिनिए का ध्यान से। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तापमान का मात्रक होता है थीटा, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका कैंडेला, ज्योति फ्लक्स नहीं, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सात मूल राशियाँ होते हैं और सात मूल मात्रक होते हैं, इन्हीं से अन्य मूल राशियाँ और मूल मात्रक बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टडी विथ अस, थैंक यू।